हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एनवीएस का एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम, या फिर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी हमने टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म और IRDE। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, आप इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वीडियो आए फुल फॉर्म्स के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं IRDE की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पिटिशन विच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डिजायर इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा कंपटीशन है जिसमें पर्टिकुलर डिजायर होती है, तो वो कहलाता है हमारा जेनेरिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGTD मींस क्या होता है। तो DGTD की फुल फॉर्म बतानी है तो इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज लार्जली बेस्ड ऑन। तो किस पे बेस्ड होते थे, वो होते थे एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फर्स्ट फैक्टर क्या है, तो फर्स्ट फैक्टर है प्लानिंग। या फिर आप किसी भी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले उस प्रोसेस में आता है प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यानी RTPs आर डिस्क्राइब्ड इन। तो वो किस में डिफाइन की गई है, तो वो डिफाइन की गई है सेक्शन 31 सबसेक्शन ए सॉरी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंज्यूमर एनकाउंटर्स। तो कंज्यूमर क्या एनकाउंटर्स करते हैं, तो वो एनकाउंटर्स करते हैं ब्रांड कंपटीशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कंट्रोल्ड ओवर मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर एक्सेट्रा। तो ये कौन इसको कंट्रोल करता है, वो करता है NASDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनल्टी फॉर डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन। तो अगर किसी भी तरह की रिफंडिंग में पेनल्टी होती है तो कितने परसेंट है, वो है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कॉल्स इन एरियर्स इंटरेस्ट इज पेबल। तो इंटरेस्ट कितनी पेबल होती है, वो होती है 6% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज इज कॉल्ड। तो अगर फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डीमेटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इश्यू। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या इश्यू नहीं कर सकती है, तो वो डेफर्ड शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू। तो री इश्यू के शेयर का जो प्रॉफिट होता है वो किसमें ट्रांसफर किया जाता है, वो किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज। तो मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी है, वो है 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम कैन बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ। तो कहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, वो प्रोवाइड किया जाता है जनरल रिजर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स आर कॉल्ड। तो जो प्रेफरेंशियल राइट रखते हैं उन शेयर को क्या कहते हैं, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड रेट ऑफ। तो जो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर फिक्स अमाउंट पे क्या देते हैं, वो देते हैं हमें डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एन इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर टू। तो इसमें बताया गया है कि जब डिवेंचर्स रिडीम किए जाते हैं यानी पे ऑफ किए जाते हैं प्रॉफिट से, तो एक इक्वल अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है यानी उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है इक्वल अमाउंट, वो कहाँ किया जाता है, तो इसके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है जिसको बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो वहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ओन डिवेंचर्स आर कैंसिल्ड एनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज ट्रांसफर टू। जब हम किसी भी खुद के डिवेंचर्स को कैंसिल करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, वो किए जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ।
तो जब कोई डिवेंचर पे इश्यू किया जाता है प्रीमियम, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन जो है वो कहाँ पे गिवन है? तो वो गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ऑल सिनेरियोस इज शोन इन द बैलेंस शीट एज। तो कहाँ पे शो किया जाता है? वो शो किया जाता है करंट लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑफ मेथड इज एप्लीकेबल फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जब अमलगमेशन के टाइम पे एप्लीकेबल होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलाइजेशन लॉस इज ट्रांसफर टू, तो रियलाइजेशन लॉस जो होता है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? वो किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, तो इंटरेस्ट डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट किया जाता है वो कहाँ से चार्ज किया जाता है? वो किया जाता है चार्ज अगेंस्ट जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है, डिविडेंड इज पेड ऑन, तो डिविडेंड किस पे पे किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है जो भी आपने पेड कर दी है कैपिटल उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट सेट असाइड टू मीट द लॉस ऑफ बैड डेट इज, तो क्या कहलाती है? वो कहलाता है हमारा प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनक्लेम डिविडेंड इज शोन इन, तो जो अनक्लेम डिविडेंड होता है जिसको अभी तक क्लेम नहीं किया गया है वो कहाँ पे दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ, तो अगर कोई एडवांस पेमेंट करा जाता है किसी भी टैक्स का तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज, यानी हमने उसको एडवांस में पे कर दिया है। नेक्स्ट है, डिवेंचर होल्डर्स आर नोन एज, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑन इश्यू और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज आर, तो जब कोई लॉस होता है इश्यू करने पे या डिस्काउंट दिया जाता है, सेम वही लॉस ही कहलाया जाएगा, या फिर डिवेंचर पर कोई लॉस होता है इश्यू करने पे तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो हमारे लिए एक फिक्टिशियस एसेट की तरह काम करती है। तो नेक्स्ट है, स्टॉक इज अ कंसोलिडेशन ऑफ, द स्टॉक कंसोलिडेशन किसका है? तो वो है फुल्ली पेड शेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर अलॉटमेंट इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? जो मिनिमम अलॉटमेंट दिया जाता है वो होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो होते हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं फिक्स रेट पे लेने के लिए, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ईवीए इज यूज फॉर, तो ये ईवीए जो होता है यूज फॉर की जगह फ्रेंड्स आप यहाँ ये कर लीजिएगा कि ये ईवीए जो है वो किसके टर्म में यूज किया जाता है, तो उसके ये फुल फॉर्म है वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाइज, तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो क्या सिग्निफाइज करता है? वो करता है ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन करंट रेशियो करंट असेट्स आर कंपेयर्ड विद, तो करंट रेशियो में करंट अफेयर किससे कंपेयर की जाती है? वो की जाती है करंट लाइबिलिटीज से। नेक्स्ट है, इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, तो किससे रिलेशनशिप उसका मेजर किया जाता है? वो किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट ऑफ टोटल असेट रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो किससे इम्प्रूव किया जाता है? वो किया जाता है रिडेम्पशन ऑफ डेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज, तो अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंटरप्राइज का? वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ। नेक्स्ट है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विद, तो किससे की जाती है मेजर? वो की जाती है सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लोज बिकॉज इट, क्या तो क्या करती है? वो करती है टैक्स को, लाइबिलिटी जो होती है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इवेल्यूशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज बिकॉज, तो क्यों की जाती है? वो की जाती है क्योंकि कैश जो होता है वो हमारा प्रॉफिट से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अ साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, तो वो किस पे बेस्ड होती है? वो होती है कैश फ्लोज पे। 45 क्वेश्चन है, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो डेट है उसका प्रपोर्शन बहुत हाई है। 46 क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म्स, तो कौन सा गुड होता है? वो होता है हाई ऑपरेटिंग लिवरेज और लो फाइनेंशियल लिवरेज। 47 क्वेश्चन है, कंबाइंड लिवरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम ओएल एंड एफएल बाय देयर, अब ओएल एंड एफएल को क्या करेंगे? जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब यहाँ पर वो
कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। OL रिफर्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज, FL रिफर्स टू फाइनेंशियल लिवरेज। 48 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ, तो ऑपरेटिंग लिवरेज कहाँ से अराइज होता है, वो अराइज होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ, तो फाइनेंशियल लिवरेज कहाँ से अराइज होता है, वो अराइज होता है इंटरेस्ट कॉस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट भी है, इस क्वेश्चन में बताया गया कि जो फर्म होती है वो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट, तो कहाँ से फर्म की टोटल जो कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट कब होती है, जब उसके सारे सोर्सेज को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बने तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और रिच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।